फूलों की नगरी उदयपुर में गणपति महोत्सव की धूम मची है और गली गली में और शहर शहर में गांव गांव में गणपति के महोत्सव हो रहे हैं। 10 दिन तक खूब आनंद खाट हुए हैं गणपति के और खूब आनंद खाट के साथ में विविध मनोरथ हुए हैं, विविध आयोजन हुए हैं और अब चतुर्थी पारी है लेकिन दिलों में गणपति सबके साल भर रहते हैं और खूब आनंद खाट करते हैं। महोत्सव हुए, विभिन्न आयोजन हुए, 10 दिन तक बहुत ही आनंद आया भक्तों को, चाहे छोटे हों या बड़े, सबको आनंद ही आनंद हर दिन के आयोजनों में हुए। कई कवि सम्मेलन हुए, कई रंगारंग आयोजन हुए, कई सांस्कृतिक आयोजन हुए, कई धार्मिक आयोजन हुए और कई रामलीलाएं हुई, कई कृष्ण लीला हुई, कई 56 भोग हुए। गणपति के पांडालों में इस बार खासा उत्साह नजर आया। लगदग सजे पांडालों में भव्य रूप से बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, युवाओं ने खूब कार्यक्रम आयोजित किए और ये माता की ज्योत का आयोजन बहुत ही आकर्षक रहा। गणपति महोत्सव के विसर्जन के अवसर पर पूर्व संध्या पर रात्रि जागरण के आयोजन हुए जिसमें महिलाओं ने खूब भजन किए, कीर्तन किए और कीर्तनों पर, भजनों पर खूब नृत्य भी किए। आनंद ही आनंद सब और छा रहा था और सब गणपति के रंग में रंगे हुए थे। गणपति विसर्जन की अब बारी है, सब भक्तों को इसी का इंतजार। महोत्सव हो रहा है 10 दिवसीय और बड़े आनंद के साथ में, ठाट बाट के साथ में ये महोत्सव हो रहा है, विविध आयोजन हो रहे हैं और आज हम आपको लिए चलते हैं जगदीश चौक जिलों की नगरी उदयपुर में और यहाँ पर गणपति जी का महोत्सव हो रहा है और यहाँ पर जो नृत्य हो रहा है माता जी की ज्योत का, वो बहुत ही आनंदित करने वाला है, रोमांचित करने वाला है और बहुत सब भक्तों को खूब आनंद आया है इस नृत्य के साथ में। आप बताओ क्या ये नृत्य है और क्या इसकी विधा है, बताओ। ये एक ज्योत के रूप में है जी, ज्योत के रूप में माता जी का, गजानन जी का जो भी है, हाँ। जो ज्योत लगती है मंदिर में, दीवला दीपक लगाते हैं ना, हाँ। उसी प्रकार का एक ज्योत का प्रोग्राम है, हाँ। हम सर के ऊपर इसको प्रस्तुत करके, हाँ। आपको दर्शन दिखाते हैं, हाँ। और कहाँ से आए आप? हम राजमंद देलवाड़ा से। अच्छा अच्छा, ऋतुराज जी बताओ कैसा आनंद आया है? बहुत ही अद्भुत, हेमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज किया, पूरे उदयपुर शहर वासियों को इससे अवगत कराया। बताओ क्या आयोजन हो रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है? 10 दिनों में डेली नए नए प्रोग्राम होते, बच्चों के साथ खेलने का प्रोग्राम बन मिल, उसके बाद आज भी भजन संध्या, उसके बाद माँ प्रसाद जी का आनंद भी लेंगे। ये जो माता जी की ज्योत जल रही है, इनके सिर पर बहुत ही रोमांचित करने वाली यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस रूप में ये पूरे आनंद ठाट के साथ में जो नृत्य करते हैं, बहुत ही कमाल का और बहुत ही रोमांच का यह नृत्य है। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है, रवि भैया की मेहरबानी से हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, बाकी नहीं होता था। बताओ कैसा आनंद है? बहुत बढ़िया, ऐसा कार्यक्रम और कहीं नहीं होता है, नहीं होता है, बड़े ग्रुप में होता है। जय
20 सालों से यानी कि 21वां साल है हम गणेश महोत्सव मना रहे हैं। आज 9 दिन पूरे हो गए, कल 10वां दिन है और विसर्जन है, तो काफी दुख का भी समय रहता है। सबको लगता है कि 10 दिन तक एक जो रौनक और खुशियां रहती है इस मोहल्ले में, वो 10 दिन बाद वापस होती है। कितना उत्साह है। मेरा वार्ड तरेपन है, मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ। ये सिद्धि मित्र मंडल द्वारा ये आयोजन पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है। इतनी छोटी जगह पर इतना सुंदर आयोजन बहुत ही काबिले तारीफ है, और मैं पूरे टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ऐसा आयोजन हमेशा करते रहे। बहुत आनंद आया हमने यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम करवाए, फैंसी ड्रेस, गरबा, बच्चों के चेयर रेस, अलग अलग तरह के प्रोग्राम हुए। आज हमारा लास्ट दिन है और हमें बहुत ही उत्साह के साथ ये हर साल हमारे यहाँ पे ये गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है। सभी सिद्धि विनायक के ग्रुप के मेंबर, सिद्धि विनायक ग्रुप कसारों की ओर से ये प्रोग्राम किया जाता है। आज से 20 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी हमारे मोहल्ले में उत्साह और त्योहार को लेकर सबको बहुत ही हर्षोल्लास है। कल हमारे विसर्जन है, आज इसी
ऑनलाइन गणपति की धूम हुई है और यहाँ जो ऊँटों का कारखाना गणपति विराजमान है, बहुत ही आनंद सबको आया है। 10 दिन तक विभिन्न आयोजन हुए हैं, छोटे हो या बच्चे, और सभी यहाँ पर सज धज कर आए हैं और यहाँ गणपति की खूब आनंद ठाट से सेवा भी की है और खूब आनंद ठाट से यहाँ पर भजन कीर्तन भी हुए हैं और नृत्य भी हुए हैं, हैं और खूब आनंद ठाट के साथ में सेवा पूजा हो रही है। क्या 10 दिन तक आयोजन हुए हैं यहाँ पे? रोज की तरह या शाम को आरती होती है, आरती के बाद सारे बच्चे नाचते, उसके बाद बड़े भी नृत्य करते हैं और भगवान के यहाँ आनंद लेते हैं। बताओ कैसा आनंद आया है 10 दिन? एक आया है, रोज बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा अच्छा डांस करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है, बड़े भी बहुत अच्छे। बताओ कैसा आनंद है? अच्छा मजा आ गया 10 दिन हमको। आप बताओ। गणपति महोत्सव में बहुत मजा आया है, सभी ने बहुत भरपूर आनंद लिया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक इतना आनंद लिया है कि जीवन में ऐसा आनंद दोबारा वापस आए ना आए, लेकिन 10 दिन तक यही सोच के आनंद आए कि आज है जो राज है। बोलो गणपति बप्पा। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत आनंद आया। जय हो। नगरी उदयपुर में गणपति महोत्सव की धूम हो रही है और 10 दिवसीय इस महा आयोजन में खूब आनंद आया है भक्तों को। बटेणी चोटा चार राजा के स्थान पर हम आए हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह और मेवाड़ का एक ही राजा, एक ही नाथ।
गाइड भटियानीचोटा में भटियानीचोटा राजा नाम से जो हम ये गणपति महोत्सव करते हैं वो पिछले 20 वर्षों से हम इसी प्रकार से ये गणपति महोत्सव करते आ रहे हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी ये गणपति महोत्सव हमने यहाँ भटियानीचोटा में रखा है। सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये आयोजन हम करते हैं हर साल, और इस साल भी बड़े धूमधाम से इस आयोजन को रखा गया है। इस वर्ष इन 10 दिनों के अंदर भगवान की 5 बार विभिन्न रूपों में आंगी की गई है। आप आज की भी आंगी अगर आप देखेंगे तो आज राम भगवान के स्वरूप में हमारे गणपति बापा को हमने आंगी धराई है। आप दर्शन कीजिए सभी। गणपति महोत्सव की धूम जारी है और हम आए हैं केर वाले गणपति जी के स्थानक पर, और यहाँ पर विभिन्न रूपों में आयोजन हुए हैं 10 दिन तक। और यहाँ पर जितने भी भक्त छोटे हो या बड़े, बुजुर्ग हो या युवा, सभी यहाँ पर गणपति जी के खूब आनंद कर रहे हैं और सभी को खूब आनंद आया है 10 दिन तक। और आज भी खूब आनंद आया है। इनको जब इनाम मिले हैं किसी न किसी रूप में तो खूब आनंद ही आनंद सबको आ रहा है। और यहाँ पर जो 10 दिन तक आयोजन हुए हैं उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के अवसर पर किया जाएगा, और सभी को खूब आनंद आया। श्री केरवाले का जन्म मित्र मंडल की तरफ से 10 दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम पेश किए गए हैं। बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने मिलकर के भाग लिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया है। उनको पारितोषिक अभी वितरित किए गए हैं, और कल तो है जो विसर्जन का है आयोजन, तो सभी मिलजुल कर विसर्जन करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे बहुत ही शान हुई गणपति बापा के आने से। दसों दिन शाम के टाइम रौनक फैल गई सब जगह, सब की जा रहे तो बहुत दुख हो रहा है। आनंद फूल आया शाम को आरती के वक्त, तब जा रहे तो कोई बात नहीं। बताओ कैसा आनंद आया? बढ़िया है, अगले साल भी बैठेंगे, हर साल बैठाते रहेंगे। वाह, अगले साल ये विषय से हमारी कि अगले साल जल्दी से आ जाए। हनुमान जी के लिए अपना तालियां बजाकर स्वागत कर लिया जाए। ये अपनी न्यूज को लेकर आए हैं, हर साल की भांति अपनी न्यूज लेकर आए हैं। आज इनके लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी से गणपति महोत्सव की 10 दिवसीय धूम शुरू हुई थी और विविध आयोजन गणपति के पांडालों में हुए थे, और अब गणपति के मंगल की तैयारी हो रही है और विसर्जन पूरी ठाट बाट से होगा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 10 दिवसीय ये धूम गणपति महोत्सव की बहुत ही आनंदित करने वाली है, और यहाँ सभी छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर गणेश जी की धूम में आए हैं और खूब आनंद इन सभी को आ रहा है, और यहाँ पे सब सज धज कर रात्रि जागरण में आए हैं और विविध आयोजन हो रहे हैं। कहीं कृष्ण लीला हो रही है, कहीं राम लीला हो रही है, और कहीं गरबों का आनंद यहाँ पर दिख रहा है। बताएं कैसा आनंद 10 दिनों में आपको या आया है यहाँ पर? जब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने थोड़ा सा प्लान बनाया था, उस समय ये सोचा नहीं था कि ये इस वृहद स्तर पे पहुँच जाएगा कार्यक्रम, लेकिन धीरे 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 ये गणेश जी की कृपा है कि एक 1 मिनट प्रतियोगिता भी रखी, बच्चों के गेम्स भी रखे, बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता, 1 मिनट प्रतियोगिता, महिला पुरुषों ने भी ऐसे ऐसे छोटे मोटे गेम रखे थे हमने, और इतने वृद्ध स्तर पे पहुंच जाएगा। फिर हमारे सामने भरत जी रहते, उन्होंने एक एक एक्ट करना जब स्टार्ट किया तो उसका आनंद इतना आया कि शायद ब्रह्मपुरी के हमारे 50% जो नहीं आ रहे थे ये सो रहे थे, वो भी सब आने शुरू हो गए, और मतलब उनका नृत्य आप आज इसमें करेंगे तो आपको पता लगेगा उनका नृत्य वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, बहुत ही बच्चों ने इंजॉय किया, और इतनी हमने आशा नहीं की थी। और जैसे जैसे पता पड़ रहा है कि आज ये अंतिम रात्रि है और जागरण है और कलम से ये गणपति विदा हो जाएंगे, तो हमारे लिए ये है तो सही कि हमारे गणपति, लेकिन वो हमारे दिल से विदा नहीं हो रहे, वो हमारे एक परंपरा है कि उनका विसर्जन करना पड़ता है, बाकी दिल से हमारे सबके अंदर बस गए हैं, और आशा करते हैं कि जिस जिसने भी, और आज हमने बहुत, कल पर्चियां बांटी थी और 56 भोग का आयोजन, क्योंकि कई लोगों को लगा कि ये प्रसाद नहीं चढ़ा, ये प्रसाद नहीं चढ़ा, तो कल हमने पर्चियां बांट दी थी ताकि सब अपने अपनी इच्छा अनुसार, और जिनकी पर्चियां नहीं आई वो अपनी इच्छा से भी आज बना के लाए, तो ये एक आयोजन आज पहली बार हमने यहाँ किया है, तो बहुत ही सभी बहुत खुश है, बहुत बच्चे वगैरह सब बहुत खुश है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आनंद आया बहुत अच्छा, 10 दिन का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत ही अच्छा आनंद आया है, कोई कमी नहीं रही किसी चीज की। 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला हमको, कि जैसे हर उत्सव में आते हैं कि कहीं जाना है, उमंग रहती है कि 7-10 के बाद जाना है, 11 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता है हमको। कैसा आनंद आ रहा है बोलो? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। ये 10 दिन के इस उत्सव में बहुत सबको अच्छा मजा आया, सब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके से नाट्य प्रस्तुतियाँ हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार महोत्सव हो रहा है। आज हमारे यहाँ 56 भोग रखा है गणेश जी का, कल विसर्जन हो जाएंगे, बस इसी आशा के साथ सबकी मनोकामना गणपति बाबा पूरी करें और अगले बरस जल्दी आने की कामना करते हैं।
भी अच्छा रहा, सब में बहुत एक उमंग थी, गुस्सा था, और हमारे सनातन धर्म को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। हमें भी मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये गजानन जी का पर्व इतना अच्छा हो जाएगा। छोटे स्तर से शुरू किया था लेकिन इसने विशाल स्तर ले लिया। मोहल्ले के सभी लोग इसमें बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। गणपति मंडल में विविध आयोजन हो रहे हैं, कई रामलीलाएं हो रही हैं तो कई कृष्ण लीला हो रही है, कोई राम बने हैं तो कोई सीता बने हैं, कोई दशरथ जी बने हैं तो कोई भरत जी, और खूब आनंद ठाट इन मंचन में हो रहा है। सभी के आनंद में बढ़ोतरी हो इसीलिए मंचन जो हो रहा है वो खूब आनंद के साथ हो रहा है। बताओ कैसा आनंद यहाँ पर सबको? हमें बहुत आनंद हो रहा है, हम हर दिन एक न एक कोई कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने परसों के दिन कृष्ण लीला करी थी वैसे आज हम राम लीला कर रहे हैं छोटी सी, और सभी को बहुत मजा आ रहा है इसमें। क्या पात्र बने हैं आप? लक्ष्मण। अच्छा, कैसा अनुभव कर रहे हैं? राम के छोटे भाई। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सीता बने श्री राम की पत्नी। आप बताओ? मैं राम की माँ बनी कौशल्या, बहुत अच्छा लग रहा है ये लीला देख के। आप बताओ? और हम हैं राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज बना हूँ, और हमको बहुत ही आनंद और हर्षोल्लास से हम कार्यक्रम को भाग ले रहे हैं। राम की माता जी बने सुमित्रा, बहुत अच्छा लग रहा है, ये राजा दशरथ जी है। जय हो।
प्रतिवर्ष गणपति महोत्सव होता है और सबको आनंद आता है। इन महोत्सव में होने वाले आयोजनों से भक्त खूब प्रसन्न होते हैं। मोदकदाता गणपति कहलाते हैं और विघ्नहर्ता भी और मंगलकर्ता भी, सभी गणपति की पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिन तक विशेष उत्सव होते हैं, लेकिन साल भर गणपति मन में बसे रहते हैं।